हाय एवरीवन, वेलकम अगेन गाइस। सो फाइनली आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम सोशल वर्क, और सोशल वर्क में हम दो कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, फिलेंथ्रोपी और चैरिटी को। ये फिलेंथ्रोपी और चैरिटी क्या है, ये मैं अगर कॉमन वे में या कॉमन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो ये सोशल वर्क ही है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सोशल वर्क एक मतलब अगर सपोज़ करें एक आइडियोलॉजी है या एक कंसेप्ट है, तो ये फिलेंथ्रोपी और चैरिटी जो है, आप लोग ऐसा समझ सकते हो, ये एक्शंस हैं, ये एक्शन है उस कंसेप्ट के। सो मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा आपको स्टार्टिंग में। सो जब हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ओके। सो लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जिन बच्चों ने सोशल वेलफेयर का फॉर्म फिल किया हुआ है, अगर आप लोग, मैं उन सभी कैंडिडेट्स बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग पेपर क्रैक करना चाहते हैं तो आपको हमारा सुपरवाइज़र मेंबरशिप ग्रुप ज्वाइन करना ही होगा। क्यों? क्योंकि इस एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा पर्टिकुलर ग्रुप है सोशल वेलफेयर के कैंडिडेट्स का, जिसमें हम लेक्चर नोट्स, MCQs और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी चीज़ें उनको उसी ग्रुप में प्रोवाइड हो जाती हैं। उनको कहीं पर भी नहीं जाना होता, उनको एक ही जगह पे चारों की चारों फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। इसके लिए आपने करना कुछ नहीं है, सिर्फ 500 पे करना है। और कैसे करना है, जो भी बच्चा ज्वाइन होना चाहता, जो अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ, उसने करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपने इस नंबर पे मुझे कॉल या व्हाट्सएप करना है, 7006002724, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो टाइम जो है वो वेस्ट ना करो, जल्दी से ग्रुप को ज्वाइन करो, ताकि अब लास्ट में जो आपके जो टेस्ट होने वाले हैं, अभी टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं, उसके बाद यूनिट वाइज, देन उसके बाद लॉन्ग टेस्ट होंगे। सो ये टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट को पढ़ना है उतना ही प्रैक्टिस करना है। तो ये मेंबरशिप ग्रुप जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आप सबके लिए, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने सुपरवाइज़र का फॉर्म फिल किया है। सो आप जल्दी से जल्दी ग्रुप ज्वाइन करो और अपनी जो प्रिपरेशन है उसे और स्ट्रॉन्ग करो। सो अब हम चलते हैं अपने कंसेप्ट की तरफ। सो हमारा जो कंसेप्ट आज का सोशल वर्क, आप सभी जानते हैं इसके बारे में, सोशल वर्क क्या होता है, यू ऑल हैव एन आइडिया अबाउट इट, बट फिर भी मैं आज इसकी जो एकेडमिक डेफिनेशन है, विच इज़ यू नो इम्पॉर्टेंट फॉर दिस एग्ज़ाम, जिस तरह से आपको पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, हम वो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, ओके। सो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो सोशल वर्क एक प्रैक्टिस है, कौन सी, एक प्रोफेशन बेस्ड जो है वो प्रैक्टिस है, एंड एन एकेडमिक डिसिप्लिन, एक एकेडमिक डिसिप्लिन है जिसमें, जिसका मतलब काम क्या है, ये क्या करता है, जिसका सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है सोशल चेंज को, सोशल डेवलपमेंट को, सोशल कोहेजन को, एंड द एम्पावरमेंट एंड लिबरेशन ऑफ पीपल, प्रिंसिपल जस्टिस, ह्यूमन राइट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सभी चीज़ों को प्रमोट करना, ठीक है। इसका मेन काम अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो ये है कि सोसाइटी में सोशल डेवलपमेंट हो गया या सोशल कोहिजन हो गया, मतलब कि एकजुटता, कोहिजन कहते हैं सॉलिडिटी को, उसको प्रमोट करना, ओके। सो नेक्स्ट कहता है कि जो प्रिंसिपल रहता है, प्रिंसिपल रहता है किसका, सोशल जस्टिस का, ह्यूमन राइट्स का, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, इनका एक ही मकसद होता है, ये एक ही चीज़ को फोकस करते हैं, एक ही चीज़ सेंट्रल होती है, वो होता है सोशल वर्क, ओके। सो यहाँ पर नीचे कहता है कि अंडरपिन्ड बाय थ्योरीज ऑफ सोशल वर्क, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज एंड इंडिजिनियस नॉलेज, मतलब कि जो भी थ्योरीज हैं सोशल वर्क के ऊपर या सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज या इंडिजिनियस नॉलेज के ऊपर, उनके तहत, अंडरपिन्ड का मतलब होता है उनके तहत, उनके अकॉर्डिंगली जो सोशल वर्क है वो एंगेज करता है लोगों को और स्ट्रक्चर तैयार करता है एंड एड्रेस करता है किसके, लाइफ के चैलेंजेस को, एंड एनहेंस वेलबींग, और जो वेलबींग है उसको एनहेंस करने के लिए, मतलब वो स्ट्रक्चर वगैरह तैयार करते हैं ताकि उनको अच्छे से एड्रेस कर सकें। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, ताकि सोसाइटी में जो वेलनेस है,
सोसाइटी जो है एक डेवलपमेंट की ओर तरफ मूव कर सके। ओके, सो ये थी डेफिनेशन सोशल वर्क की। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट भी डेफिनेशन ही है ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। इसमें भी यही कहा गया है कि सोशल वर्क जो है वो एक प्रोफेशन है जो कंसर्न करता है किससे, एक इंडिविजुअल की, फैमिली, ग्रुप या कम्युनिटी की मदद करने के लिए, ताकि वो एनहेंस कर सके, बढ़ा सके किस चीज़ को, इंडिविजुअल या कलेक्टिव वेलबींग को, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल की वेलबींग को। ओके, उनके रहन सहन को। और इट एम्स टू हेल्प पीपल डेवलप देयर स्किल एंड देयर एबिलिटीज टू यूज देयर ऑन रिसोर्सेज एंड दोस ऑफ कम्युनिटी टू सपोर्ट। मतलब कि ये क्या करता है, ये लोगों की मदद करता है ताकि उनके जो स्किल्स हैं वो उसको डेवलप कर सके, उनके अंदर, मतलब लोगों के अंदर जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो सके, उनमें एक एबिलिटी जो है वो डेवलप हो सके, ताकि वो रिसोर्सेज को यूज़ करके कम्युनिटी में जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सके। ठीक है, सो सोशल जो वर्क है दैट इज़ कंसर्न विद इंडिविजुअल एंड पर्सनल प्रॉब्लम, बट सॉरी यहाँ पे नॉट लिखा होना चाहिए था आई थिंक, कि वो सिर्फ इंडिविजुअल या सोशल प्रॉब्लम से कंसर्न नहीं रखता बट आल्सो विद ब्रॉडर इश्यूज, मतलब जितने भी सोशल इश्यूज हैं बहुत बड़े बड़े, जैसे पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, तो इन सब के साथ भी ये कंसर्न रखता है। ठीक है, और इन जगहों पे भी ये वर्कआउट करता है ताकि ये चीज़ें जो है ख़त्म हो सकें और जो सोसाइटी है वो एक अच्छे एक डेवलपमेंट की तरफ जो है मूव कर सके। ओके, तो ये तो हो गया आपका सोशल वर्क। सोशल वर्क क्या था, अब हम बात करेंगे फिलेंथ्रोपी की, कि फिलेंथ्रोपी क्या है। देखो, स्टार्टिंग में मैंने एक चीज़ कही थी कि अगर सोशल वर्क जो है वो एक कंसेप्ट है या एक डिसिप्लिन है, तो फिलेंथ्रोपी और चैरिटी जो है वो एक एक्शन है। अब कैसे एक्शन है मैं बताता हूँ। देखो, फिलेंथ्रोपी का पहले वर्ड जो है उसका मतलब देख लेते हैं क्या है। तो फिलेंथ्रोपी जो है उसका मतलब ब्रॉडली अगर हम डिफाइन करें या ब्रॉडली इसकी मीनिंग देखें, तो उसका मतलब होता है लव फॉर मैनकाइंड, इंसानियत के लिए प्यार। तो ये जो वर्ड है ये डिराइव किया गया ग्रीक वर्ड से, और जिसमें जो पहला वर्ड है वो है फिलोस, जिसका मतलब है लविंग, एंड नेक्स्ट वाला जो है वो है एंथ्रोपोस, जिसका मतलब होता है मैनकाइंड, मतलब लव फॉर मैनकाइंड। ओके, सो एक पर्सन जो फिलेंथ्रोपी को प्रैक्टिस करता है उसको कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है, सो ये हो गया इसके ये हो गया इसका मीनिंग वर्ड का। अब ये क्या है, इसका पर्पस क्या है, बेसिकली इसमें करते क्या हैं, और किस एक्शन को हम फिलेंथ्रोपी कहते हैं वो हम पढ़ते हैं। आप देखो, फिलेंथ्रोपी का जो पर्पस रहता है वो सेम ही जैसे सोशल वर्कर जो होते हैं, सोशल वर्क जो करते हैं वैसा, इसका भी वही मतलब होता है, इसका भी वही वर्कआउट होता है, टू इम्प्रूव द वेलबींग ऑफ द मैनकाइंड बाय प्रिवेंटिंग एंड सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स। मतलब जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करके, उनको प्रिवेंट करके जो भी मैनकाइंड है उसकी वेलबींग को इम्प्रूव किया जाए। ओके, सो फिलेंथ्रोपी कहता है कि इज़ नॉट एज द सेम एज चैरिटी। ये चैरिटी जैसा सेम नहीं होता, इट्स डिफरेंट फ्रॉम चैरिटी। मतलब कि चैरिटी अगर फोकस करता है एलिमिनेटिंग द सफरिंग कास्ड बाय सोशल प्रॉब्लम, मतलब अगर चैरिटी जो है वो फोकस करता है इस चीज़ पे कि वो जो भी इंसान जिस चीज़ से वो सफ़र कर रहा है, जिस सोशल प्रॉब्लम से वो सफ़र कर रहा है, उसको एलिमिनेट करने की, तो वहीं दूसरी तरफ फिलेंथ्रोपी जो है वो फोकस करता है एलिमिनेटिंग सोशल प्रॉब्लम, वो सोशल प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने पे फोकस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गिविंग फूड टू अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ फेमिनिस्ट चैरिटी। मतलब एक इंसान जो सूखे से अगर सफ़र कर रहा है, उसको अगर खाना दिया जाए तो वो चैरिटी है। द फूड हेल्प्स अ पर्सन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बट द पर्सन विल बिकम हंग्री अगेन इन द फ्यूचर। कहता है कि देखो, सपोज़ अगर आज आपने उसको खाना दिया तो ऐसा तो है नहीं कि कल उसको भूख नहीं लगेगी। तो चैरिटी में कहता है कि इसका मतलब ये होता है कि एक इंसान अगर भूखमरी से मर रहा है तो आपने उसको खाना दिया, बट वो खाना जो है उसको शॉर्ट पीरियड के लिए ही काम करेगा, हेल्प करेगा। लेकिन जो फिलेंथ्रोपी होता है वो एक्चुअली टीच करता है पर्सन को, टीचिंग द पर्सन हाउ टू ग्रो फूड इज़ फिलेंथ्रोपी। मतलब कि एक इंसान को सिखाना कि जो खाना है उसको किस तरह से, मतलब उगाना से यहाँ से मतलब है कि किस तरह से आप कमा सकते हो, कि वो सिखाना ताकि वो सोशल प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर सकें,
और वो सोशल प्रॉब्लम कौन सी, कि इंसान के हंगर की जो प्रॉब्लम है उसको एलिमिनेट कर सके। आई होप आपको पता लगा होगा। तो खैर मैं आगे भी डिस्कस करूँगा उसको, जब डिफरेंस की मैं बात करूँगा चैरिटी और फिलेंथ्रोपी की, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बात है चैरिटी की। अब चैरिटी क्या है ये तो आप सबको पता है, मतलब दान वगैरह करना उसको बोलते हैं हम लोग चैरिटी। तो चैरिटी भी वही है, एक एक्ट ऑफ एक्सटेंडिंग लव एंड काइंडनेस टू अदर अनकंडीशनली, मतलब विदाउट एनी कंडीशन, मतलब बिना किसी शर्त के आप कोई भी एक मतलब दया वाला जो वर्क करते हो या कोई प्यार से कोई भी वर्कआउट करते हो, विच इज़ ए कंसाइज एक्ट बट द डिसीजन इज मेड बाय द हार्ट, मतलब जो जो डिसीजन जो है वो आपके दिल से जो निकलता है या किया जाता है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिवार्ड, मतलब विदाउट एनी रिवार्ड, मतलब बिना किसी चीज़ को सोचते हुए जो आप एक लविंग एक्ट जो करते हो ना, उस चीज़ को कहते हैं चैरिटी। सो व्हेन चैरिटी इज़ कैरिड आउट सेल्फिशली, इट इज़ वन वे एक्ट वेयर अ पर्सन गिव बट आस्क फॉर नथिंग इन, मतलब एक ऐसा एक्ट, एक ऐसा मतलब बिना सेल्फिश के एक्ट है जिसमें एक इंसान सिर्फ देता है बिना किसी चीज़ को वापस, मतलब रिटर्न में बिना कुछ चाहे। ओके, सो इट इज़ ड्यू टू दिस एक्ट ऑफ नेचर द मेक्ट प्रीशियस सोलफुल, मतलब इसी चीज़ की वजह से ये प्रीशियस है और सोलफुल है। सो देर आर सम पीपल हु बिलीव चैरिटी शुड बिगन एट होम बट अदर बिलीव इट शुड ऑरिजिनेट फ्रॉम द हार्ट, मतलब कुछ लोग कहते हैं इसमें कि जो चैरिटी वाला जो बिलीव है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, घर से, बट कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये ऑरिजिनेट होता फ्रॉम द हार्ट। तो हाउ अ चैरिटी ऑरिजिनेट फ्रॉम द हार्ट एज टू फील द अर्ज ऑफ गिविंग बिगन फ्रॉम द होम अल्टीमेटली एक्सटेंड टू अदर इन द, मतलब नेक्स्ट कहता है कि यार मैटर ही नहीं करता चाहे घर से शुरू हो चाहे दिल से शुरू हो, लेकिन अल्टीमेटली वो एक्सटेंड हो रहा है सोसाइटी में एंड इट्स स्प्रेडिंग गुड थिंग्स एंड इट हेल्पिंग द पीपल्स हु आर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स। ओके, सो ये था हमारा चैरिटी वाला पोर्शन। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट में भी यही इसी चीज़ को यू नो डिफाइन किया गया है कि विदाउट एनी कंडीशन या बिना किसी रिकॉग्निशन के, मतलब दिमाग में रख के, जब बिना किसी, वो कहते हैं ना कई बार कि दिखावे के लिए हम लोग कुछ करते हैं ताकि चार लोगों को पता लगे, तो मतलब बिना उस चीज़ को माइंड में रख के जब भी कोई एक्ट किया जाता है तो उस चीज़ को हम चैरिटी कहते हैं। सो इन नेक्स्ट जो है पर्पस में भी वही चीज़ है कि चैरिटी इज़ एसेंशियल एंड देयरफॉर मीन टू बी डन फॉर पब्लिक बेनिफिट, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की बेनिफिट के लिए किया जाता है और प्रोवाइड एंड टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू पीपल एट द टाइम ऑफ नीड एंड एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और मतलब ये उन सभी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में उन लोगों को असिस्टेंट प्रोवाइड की जाती है उस टाइम पे ताकि जब उनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसका पर्पस वही होता है। ठीक है, सो आई होप इसका जो मीनिंग है चैरिटी और फिलेंथ्रोपी का वो आपको पता लग गया होगा। सो नेक्स्ट इसमें मैं डिफरेंस बता देता हूँ, आपको सारा ही क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा और अभी मैं बोलूँगा कि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट है, बात दोनों में सेम ही है, बात दोनों में ह्यूमन के लिए कुछ किया जा रहा है विदाउट एनी कंडीशन, बिना किसी शर्त के, लेकिन चैरिटी जो है वो एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, चाहे वो इमोशनल हो, इमीडिएट रिस्पॉन्स हो या फोकस प्राइमरी, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, ये शॉर्ट टर्म के लिए जब हम कोई कुछ करते हैं तो वो आता है चैरिटी के लिए, लेकिन जब हम किसी सोशल प्रॉब्लम पे एक लॉन्ग टर्म पे फोकस करते हैं, ठीक है, तो मतलब उस सोशल प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए उसे फिलेंथ्रोपी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे वो लास्ट में पहले मैंने एग्जांपल बताई कि एक इंसान अगर भूख से तड़प रहा है एट प्रेजेंट, तो उसको खाना देना वो एक चैरिटी है। ठीक है, लेकिन वो शॉर्ट पीरियड के लिए हुआ ना, ऐसा तो है नहीं कि एक बार दे दिया तो वो उसको भूख लगेगी नहीं, बट उस इंसान को ये सिखाना है कि कैसे आप मतलब आगे अपना जो यू नो खाना है वो ग्रो कर सकते हो, तो वो आ गया आपका फिलेंथ्रोपी में। ठीक है, सो आई होप ये चैरिटी और फिलेंथ्रोपी का जो कंसेप्ट है क्लियर हो चुका होगा आपके माइंड में। सो थैंक यू गाइस, दिस इज सतीश साइनिंग ऑफ, बाय।